नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बेयरिंग टॉपिक पे है और इस वीडियो में टॉप 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए जाएंगे जो बेयरिंग के ऊपर हैं। तो जितने भी हमारे मैकेनिकल स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को जरूर देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे चैनल की टॉप प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि बॉयलर, बेयरिंग, सेंट्रीफ्यूगल पंप, फिटर इंटरव्यू क्वेश्चन और मैकेनिकल सील। और हमारे दूसरे चैनल जीके पॉइंट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी जाके जरूर सब्सक्राइब करें। और आज की वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है 500 लाइक, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, आपके लाइक करने से मेरा भी हौसला बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिजिट इंडिकेट द टाइप ऑफ बेयरिंग इन बेयरिंग नंबर। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि बेयरिंग नंबर में कौन सा डिजिट बेयरिंग की टाइप बताता है। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। 5 सेकंड का समय आपके पास। दोस्तों इसका आंसर है फर्स्ट डिजिट। बेयरिंग नंबर में जो पहला डिजिट होता है वो बेयरिंग की टाइप को बताता है। जैसे कि 6309 बेयरिंग नंबर है तो उसमें जो पहला डिजिट है 6, ये बेयरिंग की टाइप की तरफ इंडिकेट करता है कि ये सिंगल रो डीप ग्रुप बॉल बेयरिंग है। क्वेश्चन नंबर 2, विच पार्ट ऑफ बेयरिंग मेंटेन द डिस्टेंस ऑफ रोलिंग एलिमेंट्स। बेयरिंग में कौन सा पार्ट उसके रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में डिस्टेंस को मेंटेन करता है। दोस्तों अगर आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग में जो केज होती है वो बेयरिंग के रोलिंग एलिमेंट्स के डिस्टेंस को मेंटेन करके रखती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग। बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या होता है। दोस्तों इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग का नॉर्मल ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 40 से 80 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज मीन C3 इन बेयरिंग नंबर। बेयरिंग नंबर के साथ में जो C3 लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों C3 बेयरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को बताता है, जैसे कि बॉल इनर रेस और आउटर रेस के बीच में जो हल्की सी प्ले होती है वो C3 इंडिकेट करता है। और C3 का मतलब होता है कि इसकी जो क्लीयरेंस है वो ग्रेटर देन नॉर्मल है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टू मेन रीजंस बिहाइंड द बेयरिंग फेलियर्स। बेयरिंग के फेल होने के पीछे कौन से दो मेन कारण होते हैं। दोस्तों इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग फेलियर का पहला रीजन है इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, यानी लुब्रिकेशन अच्छे से ना होना। और जो दूसरा रीजन है वो है मिसअलाइनमेंट। मिसअलाइनमेंट एक ऐसा रीजन है जो बेयरिंग को तो फेल करता है और उसके साथ में मैकेनिकल सील और शाफ्ट को भी डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज मीन NJ इन बेयरिंग नंबर। बेयरिंग नंबर के साथ में जो NJ लिखा होता है उसका बेयरिंग में क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों जिस बेयरिंग नंबर के साथ में NJ लिखा होता है तो इसका मतलब है कि उस बेयरिंग की इनर रेस के एक एंड पे कॉलर बना होता है। और जिस बेयरिंग नंबर में NU लिखा होता है तो उसके जो इनर रेस होती है उस पे कोई भी कॉलर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7, विच मटेरियल यूज टू मेक बेयरिंग केज। बेयरिंग केज के लिए किस किस मटेरियल का यूज किया जाता है। दोस्तों इंटरव्यू में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपके पास 5 सेकंड है इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों बेयरिंग की केज के लिए स्टील, ब्रास और पॉलीमाइड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई बेयरिंग इज यूज्ड इन मशीन। दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बेयरिंग का यूज हम मशीन में क्यों करते हैं। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग मशीन के मूविंग पार्ट्स के फ्रिक्शन को कम करने का काम करता है, इन पार्ट को सपोर्ट करता है यानी गाइड करता है, और एक डिजायर RPM पे उस ऑपरेशन को स्मूथ बनाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ बेयरिंग इज नॉट रोटेट आफ्टर इंस्टॉलेशन। यानी बेयरिंग को फिट करने के बाद में वो कौन सा पार्ट है जो बेयरिंग के साथ में यानी शाफ्ट के साथ में रोटेट नहीं करता। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की फिटिंग के बाद जो उसकी आउटर रेस होती है वो शाफ्ट के साथ रोटेट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 10,
विच बेयरिंग इज यूज फॉर हैवी लोड एंड लो आरपीएम, कौन से बेयरिंग को हैवी लोड और लो आरपीएम के लिए यूज किया जाता है। काफी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों हैवी लोड और लो आरपीएम में रोलर बेयरिंग का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे पहले पूछा जाता है, तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने ये नहीं बताना कि बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, थ्रस्ट बेयरिंग, आपने बताना है कि बेयरिंग दो प्रकार के हैं, पहला है फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग और दूसरा है एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 12, विच पर्पज ऑफ यूजिंग ग्रीस इन बेयरिंग, बेयरिंग में ग्रीस को यूज करने का क्या पर्पज होता है। तो 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों ग्रीस बेयरिंग के रोटेटिंग एलिमेंट्स के फ्रिक्शन और वियर एंड टियर को कम करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 13, बेयरिंग थिकनेस डिपेंड ऑन डैश डिजिट ऑफ बेयरिंग नंबर, बेयरिंग की थिकनेस बेयरिंग नंबर के कौन से डिजिट के ऊपर डिपेंड करती है। तो दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की थिकनेस और इसका आउटर डायमीटर बेयरिंग के सेकंड डिजिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेयरिंग का जो सेकंड डिजिट होता है वो बेयरिंग की सीरीज को बताता है कि वो हैवी सीरीज का है, मीडियम सीरीज का है या फिर लाइट सीरीज का है। तो जैसे जैसे बेयरिंग का सेकंड डिजिट बदलता है तो उसके साथ में इसकी थिकनेस और इसका आउटर डायमीटर भी चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 14, प्लेन बेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज डैश टाइप ऑफ बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों 5 सेकंड है आपके पास। दोस्तों प्लेन बेयरिंग को फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, स्मॉल डी इज इंडिकेट द डैश ऑफ बेयरिंग, स्मॉल डी बेयरिंग के किस साइज को दर्शाता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास इसका आंसर देने के लिए। दोस्तों स्मॉल डी को बेयरिंग के इनर डायमीटर के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच टूल इज यूज टू रिमूव द बेयरिंग फ्रॉम शाफ्ट, शाफ्ट से अगर बेयरिंग को निकालना हो तो किस टूल का यूज किया जाता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। बेयरिंग को शाफ्ट से निकालने के लिए पुलर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच टाइप ऑफ बेयरिंग हैव नो रोलिंग एलिमेंट्स, कौन सी टाइप के बेयरिंग में कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग में कोई भी रोलिंग एलिमेंट्स नहीं होता और जो एंटी फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग होते हैं उनमें रोलिंग एलिमेंट्स होते हैं। तो जो फ्रिक्शन टाइप बेयरिंग है उनकी एग्जाम्पल है बुश बेयरिंग। क्वेश्चन नंबर 18, विच मेटल इज यूज टू मेक बुश बेयरिंग, बुश बेयरिंग बनाने में कौन सी मेटल का यूज किया जाता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बुश बेयरिंग के लिए सॉफ्ट मेटल का यूज किया जाता है जैसे कि ब्रास, ब्रॉन्ज और सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डज आरएस मीन इन बेयरिंग नंबर, बेयरिंग नंबर के साथ में आरएस लिखा होने का क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों आरएस का मतलब है कि उस बेयरिंग के एक साइड में रबड़ की सील लगी होगी और अगर उसके ऊपर 2RS लिखा है तो उसके दोनों साइड में रबड़ की सील होगी। क्वेश्चन नंबर 20, विच टूल इज यूज टू मेजर इंटरनल क्लीयरेंस ऑफ बेयरिंग, बेयरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को मेजर करने के लिए किस टूल का यूज किया जाता है। दोस्तों आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की इंटरनल क्लीयरेंस को हम फिलर गेज से मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच मेटल इज यूज टू मेक बेयरिंग हाउसिंग, बेयरिंग की हाउसिंग के लिए किस मेटल का यूज किया जाता है। 5 सेकंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की जो हाउसिंग होती है उसके लिए CI यानी कास्ट आयरन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डज डबल जेड मीन इन बेयरिंग नंबर, बेयरिंग नंबर में डबल जेड का क्या मतलब होता है। दोस्तों 5 सेकंड आपके पास।
दोस्तों डबल जेड का मतलब होता है कि उस बेयरिंग में दोनों तरफ मेटल की एक शील्ड लगी होती है जो बेयरिंग की रोटेटिंग एलिमेंट्स को बाहर की डस्ट से भी प्रोटेक्ट करती है और उसके लुब्रिकेंट को बाहर आने नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 23, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेयरिंग, इनमें से कौन सा पार्ट बेयरिंग का नहीं है। 5 सेकेंड आपके पास। दोस्तों इन तीन ऑप्शन में से जो केसिंग है वो बेयरिंग का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बेयरिंग डिमेंशंस, बेयरिंग की डिमेंशंस को मेजर करने के लिए कौन से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। 5 सेकेंड आपके पास। दोस्तों बेयरिंग की डिमेंशंस को मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विच टाइप ऑफ बेयरिंग इज यूज इन कार व्हील, कार के व्हील के लिए कौन सी टाइप के बेयरिंग का यूज किया जाता है। तो 5 सेकेंड आपके पास। दोस्तों कार व्हील में बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर जरूर कर दें। और हाँ, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलें, वहाँ पे आपको चैनल की टॉप प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।